ओके दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास रहना चाहिए अलाइट मोशन। अगर आपके पास अलाइट मोशन नहीं है तो आप प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आपको मोर वर्जन चाहिए जिसका वाटरमार्क नहीं आता, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा दोस्तों, आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों जितने भी फोटो वगैरह यहाँ पर यूज होते हैं दोस्तों, यहाँ पर सारा चीज़ मटेरियल आपको बहुत आसानी तरह से मिल जाता है, आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास अलाइट मोशन नहीं है तो यहाँ पर जो आपको पिन मैसेज दिख रहा है ऊपर में, जो फोटो के नीचे दिख रहा है पिंड मैसेज, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको अलाइट मोशन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप यहाँ पर थे क्लिक करके इसको सेव टू डाउनलोड मतलब डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे तो दोस्तों जितने भी इसमें जो मटेरियल यूज होगा वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर बहुत आसानी तरह से मिल जाता है, बहुत आसान तरह से डाउनलोड भी हो जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो बनाने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में सॉन्ग बीट मार एंड सैग इफेक्ट दोनों प्रोजेक्ट को इम्पोर्ट करना होगा। तो इम्पोर्ट कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही ये मान लीजिए कि ये वीडियो है और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जैसे ही टाइटल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। ऊपर के स्क्रॉल करना दोस्तों, यहाँ पर बोल बम सॉन्ग बीट मार्क मिल जाएगा और बोल बम सैग इफेक्ट मिलेगा। तो सबसे पहले बोल बम बीट मार्क पर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा लोडिंग लेगा और एक वेबसाइट पर आपको थोड़ा भेज देगा। ठीक है दोस्तों, इसको सॉन्ग बीट मार्क कैसे इम्पोर्ट करना देख लिए, सबसे ऊपर की आपको स्क्रॉल कर देना दोस्तों। जैसे कि पूरा स्क्रॉल कर लेंगे, थोड़ा सा आप नीचे करिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको मिल जाएगा सॉन्ग बीट मार्क। दोस्तों यहाँ पर मिल जाएगा सॉन्ग बीट मार्क, आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर डायरेक्टली आपको अलाइट मोशन में लेकर चला जाएगा। इस तरह से आप मेरे प्रीसेट को इम्पोर्ट कर सकते हैं अपने अलाइट मोशन में, बहुत आसान है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा लोडिंग लेगा, मेरा इंटरनेट स्लो है इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है, नहीं तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ वेरिफिकेशन करेगा और यहाँ पर इम्पोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा, आप इस तरह से इम्पोर्ट कर लीजिएगा। तो मैं इम्पोर्ट नहीं कर रहा हूँ और इसी प्रकार से आपको दोस्तों यहाँ पर सैग इफेक्ट को भी इम्पोर्ट कर लेना होगा दोस्तों, यहाँ पर फटाफट से कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरे वीडियो नहीं देखे हैं मैंने जो बोल बम का है फर्स्ट, और मतलब ये आठवां वीडियो होगा, सात वीडियो आप नहीं देख सकते दोस्तों। यहाँ पर जैसे ही मेरे चैनल में जाएंगे प्ले लिस्ट आप चेक कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर प्ले लिस्ट चेक करेंगे तो बोल बम यहाँ पर स्पेशल रीडिंग मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे मेरा बोल बम का स्टेटस यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों, आप यहाँ से आसानी से ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अलाइट मोशन को ओपन करना है, ओपन करने में प्रोजेक्ट आइकन क्लिक करना है, प्रोजेक्ट के आइकन जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर बोल बम सॉन्ग बीट मार्क पर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर बीट मार्क मिल जाएगा दोस्तों। सबसे पहले आपको यहाँ यहाँ फोटो नहीं लगाना है, यहाँ पर जहाँ जहाँ ग्रुप बना हुआ है दोस्तों, चार जगह पर ग्रुप मैं बनाया हूँ दोस्तों, यहाँ पर तीन और ये चार रहा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर चार में ग्रुप बनाया था दोस्तों, यहाँ वहाँ वहाँ मतलब फोटो आपको नहीं लगाना है। तो पहले यहाँ पर फर्स्ट में आ जाएगा और यहाँ पर प्लस से क्लिक करेंगे मीडिया पर जाकर, और यहाँ पर जैसे फोटो वगैरह जितने भी फोटो वगैरह पता ही बताया था बोल बम का, आपको सारा फोटो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। फोटो लीजिएगा, थ्री एंड क्लिक करके यहाँ से क्लिक एड क्लिक करके आगे बढ़ा, तीन क्लिक के बच्चे हुआ भाग का ऐसे दोस्तों इस प्रकार से कट कर देंगे। फिर से प्लस से क्लिक करके मीडिया पर जाकर दूसरा फोटो लेंगे, थ्री आइकन क्लिक करके फिर कम से एरिया क्लिक करके आगे बढ़ा, तीन क्लिक के बच्चे हुआ भाग का ऐसे कट कर देंगे। ठीक से प्लस से क्लिक करके मतलब आपको कुछ इसी प्रकार से फोटो को लेना है, थ्री आइकन क्लिक करके फिर कम से एरिया क्लिक करके आगे बढ़ा, तीन क्लिक करके बच्चे हुए भाग को ऐसे कट कट कर देना है। ठीक है, तो आपको कुछ इस प्रकार से सारा बिट के हिसाब से लगा लेना, बस जहाँ जहाँ ग्रुप बनाया वहाँ वहाँ मत लगाइएगा। ठीक है, तो मैं बताऊँ दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, कैसे कैसे फोटो इसमें लगाना है और साइज वाइज साइज बैठाना है और इफेक्ट भी कैसे लगाना है दोस्तों, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ जाएगी। अगर वीडियो आप फुल देखते हैं तो आपको बिल्कुल भी कोई भी परेशानी नहीं होने वाली, अगर वीडियो को स्किप करेंगे तब आपको परेशानी हो सकती है। ठीक है, तो फटाफट से देखिए यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ 9.16 ग्रेसी यहाँ पर फोटो लगेगा, तो मैं बताऊँगा दोस्तों कैसे कैसे इसको 9.16 ग्रेसी में फोटो लगाना है। ठीक है, तो पहले मैं फोटो लगाता हूँ, उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूँ, तब तक आप वीडियो में दोस्तों बने रहेगा कंटिन्यू। ठीक है, तो देख सकते हैं फाइनल दोस्तों मैं सारा फोटो को कुछ इस प्रकार से बिट के हिसाब से लगा लिया हूँ, और जहाँ पर मैं ग्रुप बनाया हूँ वहाँ पर फोटो नहीं लगाया हूँ दोस्तों। मैं बताऊँगा दोस्तों इसमें इफेक्ट कैसे अप्लाई करना है, सब चीज़ मैं बताऊँगा दोस्तों स्टेप बाय स्टेप, आप वीडियो को थोड़ा देखते रहेंगे दोस्तों। सबसे पहले इफेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम यहाँ ग्रुप का काम करेंगे, ये बहुत ईजी है दोस्तों। पहले हम लोग इफेक्ट की लगा लेते हैं, पहले सैग इफेक्ट में जाएंगे और उसको फर्स्ट वाला फोटो है मेन हमारा। ठीक है, इफेक्ट को बस हम लोग कॉपी करेंगे, फर्स्ट वाला इफेक्ट को बैक कर देंगे और यहाँ पे बोल बम सॉन्ग बीट मार्क में चले जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे फर्स्ट जीरो से लेकर आपको दोस्तों मैं बता दूँ कितना तक लगाना है, फोटो पर क्लिक करके इफेक्ट को यहाँ पे पेस्ट कर देना है, फिर से अगले फोटो पर क्लिक करना है और यहाँ पे फोटो इफेक्ट पर जाकर थ्री क्लिक करके पेस्ट पे कर देना है। आपको कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे जीरो से लेके आपको यहाँ तक काम करना है। ठीक है, आपको जीरो से लेकर दोस्तों ये 10.11 तक काम करना है। ठीक है, इसको बस छोड़ देना है, यहाँ तक 10.11 तक आपको करना है, जहाँ पर ग्रुप बना है उसको छोड़ देना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर 10.11 तक काम करना है इस वाला इफेक्ट को, जहाँ पर ये बड़ा ग्रुप बना है उसके बाद नहीं लगाना है। मैं
बताऊंगा, फिर लगाना है एक जगह और लगाना है, पहले यहाँ तक काम कंप्लीट कर लीजिएगा उसके बाद मैं बताऊंगा। तो यहाँ से लेकर आपको ये वाला मतलब ग्रुप में नहीं लगाना है, ठीक है आपको ग्रुप में, ठीक है आप पहले बता रहा हूँ। मतलब ये जितने फोटो अगर आप लगाए ना सारा 10.11 सेकंड तक आपको लगा देना है, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। तो फटाफट सबसे लगा लीजिए, मैं लगा के आता हूँ। कुछ इस प्रकार से लगाना है, जैसे कि फोटो आया, फोटो क्लिक करना है, फोटो यहाँ पर जाकर थ्री एम क्लिक पेस्ट पैक कर देना है आपको। कुछ इस प्रकार से लगाना, तो फटाफट लगा करिए, मैं लगा के आता हूँ, आप वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ तक कंप्लीट कर चुका हूँ 10.11 सेकंड के। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ प्रकार से जहाँ पर ग्रुप लगा है, यहाँ पर कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, दोस्तों पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ प्रकार से मैं लगा चुका हूँ। और दोस्तों वन लाइफ एक जगह और लगा, उसके लिए हम लोग चले जाना है 17.29 सेकंड तक, ठीक है 17.29, ठीक है। आप देखना पड़ते हैं 17.29 कहाँ है, यहाँ से लेके तो यहाँ से लेके 17.29 से लेके आपको कहाँ तक लगाना है, देखिए मैं बताता हूँ। आप देखिए फोटो पर क्लिक करना है और इफेक्ट को यहाँ पर इसी पर मतलब पेस्ट पैक करना है दोस्तों, 17.29 से लेके 25.17 तक, ठीक है। यहाँ पर 17 से लेके आपको 25.17 तक यहाँ तक करना है, जहाँ पर एक ग्रुप बनेगा उसके बाद नहीं लगाना। देखिए यहाँ पर ग्रुप बने, यहाँ पर देखिए 25.17 आ रहा है, यहाँ तक आपको लगाना है। इतने फोटो क्लिक करना है, बस फिर जाकर यहाँ पेस्ट पैक कर देना है, फिर अगले फोटो क्लिक करके फिर जाकर मतलब आपको किस प्रकार से 17.29 से लेकर 25.17 तक लगा देना है, आप देख सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। तो फटाफट दोस्तों लगा लीजिए, मैं लगा के आता हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ बताएंगे। आप वीडियो को दोस्तों कंटिन्यू देखते रहेगा, 17.29 से लेकर 25.17 तक लगा देना है वन लाइफ पिक्चर, ठीक है। फटाफट लगा के आइए, मैं लगा के आ रहा हूँ, ठीक है। तो ओके दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 17.29 से लेके मैं लगा चुका हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे मैं 25.17 तक लगा चुका हूँ यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ग्रुप बन रहा है, मैं बताऊँगा दोस्तों ग्रुप में क्या करना है। तो एकदम वीडियो कंटिन्यू देखते रहेगा, आप देखिए वन लाइफ इट कंप्लीट बैक कर देंगे और यहाँ पर बोल से फ्रेंड जाएंगे, दूसरा फोटो को लेंगे, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इस पर क्लिक करके इफेक्ट को यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर देखिए सॉन्ग बीट मार्क में चले जाना है दोस्तों। 2 वाला इफेक्ट को लगाने के लिए हमको 12.02 तक चले जाना होगा, 12.02, ठीक है 12.02 आपको चले जाना होगा वहीं पे 12.02। जैसे कि यहाँ पर आ गया और यहाँ जो छोटे छोटे फोटो दिख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे 3-4 फोटो छोटे छोटे दिख रहे हैं, यहाँ पे 3 फोटो छोटे छोटे दिख रहे हैं, इस पर क्लिक करके इफेक्ट को यहाँ पे पेस्ट पैक कर देंगे। फिर से अगले फोटो पर क्लिक करके तीनों फोटो में यहाँ पे पेस्ट पैक कर देंगे आपको, जैसे मैं कर रहा हूँ फोटो क्लिक करना और इफेक्ट जाएगा आपको किसी प्रकार से कर देना आपको यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है 12.27 तक। और दोस्तों यहाँ पर देखिए फिर से आपको दूसरा इफेक्ट लगाने के लिए फिर से 13.1 फोटो को छोड़ देना है बड़ा वाला, फिर से आपको 3 फोटो यहाँ पे छोटे छोटे दिख रहे हैं दोस्तों, इसी पर क्लिक करके हमको फिर से इफेक्ट को यहाँ पे मतलब पेस्ट कर देना होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मैं जैसे जैसे पेस्ट कर रहा हूँ मतलब छोटे छोटे फोटो में यहाँ पे देख सकते हैं 13.22 से लेकर आपको मैं कंप्लीट कर चुका हूँ यहाँ पे 14.18 तक, ठीक है। तो ये देखिए मेरा दूसरा इफेक्ट यहाँ लग चुका है, फिर से 15.13 से चले जाना होगा यहाँ तक, देखिए 15.13, ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे 15.13 से लेकर आपको 4 फोटो छोटे छोटे दिख रहे हैं, आप इसमें भी इस इफेक्ट को यहाँ पे लगा दीजिएगा, ठीक है। फोटो को लेकर ना इफेक्ट को यहाँ पर पेस्ट इफेक्ट आपको किसी प्रकार से चारों फोटो में ऐड कर देना होगा, जैसे मैं कर रहा हूँ आपको भी किसी प्रकार से कर देना होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो काम है वो दूसरा इफेक्ट का काम जो एक जगह और है दोस्तों, यहाँ पर 26 पॉइंट वहीं पर चले जाना होगा जो ग्रुप बना था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो ग्रुप बन रहा है उस पर यहाँ पर 26.12 से लेकर आपको 4 फोटो और दिख रहेंगे दोस्तों, लास्ट में 4 फोटो में ऐड कर देना, ठीक है। फर्स्ट इफेक्ट आपको इसी में भी कर देना होगा, जैसे मैं कर रहा हूँ आपको भी कुछ इस प्रकार से कर देना होगा दोस्तों। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या करना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, दूसरा इफेक्ट को इस वक्त बैक कर देंगे और उससे यहाँ पे सेकंड इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे 1, 2, 3 वाला इफेक्ट को लेंगे और इफेक्ट को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे दोस्तों। इसमें टेम्पलेट भी लगाना दोस्तों, टेम्पलेट 3 वाला इफेक्ट जहाँ जहाँ लगेगा वहाँ पर टेम्पलेट भी लगाना, तो आपका वीडियो अच्छा लगेगा। 12.27 से चले जाएंगे दोस्तों, 12.27, ठीक है 12.27 देखिए मैं जा रहा हूँ 12.27 यहाँ पे यहाँ पे 12.27, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा हूँ दोस्तों, 3 फोटो आपने अभी लगाया था, 3 फोटो में यहाँ पर दूसरा इफेक्ट और उसके बाद जो नंबर आता है बड़ा वाला फोटो को हम लोग क्लिक करके पेस्ट पैक कर देंगे 12.27 के बगल में जो बगल बड़ा हुआ फोटो लग रहा है, और 3 फोटो में यहाँ पर फिर से लगाए थे और यहाँ पर बड़ा हुआ फोटो मिल रहा है, फिर से आपको यहाँ पर लगा देना होगा, ठीक है। तो अब जो हमारा तीसरा इफेक्ट है कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, यहाँ पर अब जो नंबर आता है लास्ट इफेक्ट चौथा इफेक्ट, ठीक है बैक कर देंगे दोस्तों। यहाँ पर सेकंड इफेक्ट में जाएंगे और चौथा इफेक्ट लगाने के लिए हम लोग बस इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इसको एक ही इफेक्ट लगाना, मतलब एक ही फोटो में लगाना है, मतलब एक ही फोटो बचा हुआ ही है हमारा चौथा इफेक्ट लगाने के लिए बस, ठीक है। तो 16.17 तक चले जाना होगा आपको, 16.17, ठीक है। अब मैं जैसे जैसे जा रहा हूँ 16.17 आपको जाना होगा, 16.17 यहाँ पर यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा कंप्लीट है, यहाँ पे कंप्लीट नहीं है मतलब एक फ़ोटो बचा हुआ है, इस फोटो में हम लोग ऐड कर देंगे बस, फोटो क्लिक करके इफेक्ट को यहाँ पे ऐड कर देंगे।
आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐड हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ प्रकार से रंग भी इसका चेंज होने लगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इफेक्ट को कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर आ जाएंगे, पहले हम लोग थ्री वाला इफेक्ट के लगे 12.27, ठीक है 12.27 यहाँ तक आ जाएंगे 12.27 देख सकते हैं यहाँ पे 12.27 है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं तीसरा इफेक्ट लगाया था, यहाँ पे 12.27 तक आने के बाद एक टेम्पलेट का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिला होगा। अगर आप कल वाला वीडियो देखे होंगे और डाउनलोड किए होंगे तो मत करिएगा आप, क्योंकि वही टेम्पलेट मतलब टेम्पलेट वहाँ है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर टेम्पलेट ले लेता हूँ अपना वो वाला, यहाँ पर देख सकते हैं ये शीशा वाला टेम्पलेट है। बस इसको देखिए यहाँ पे नीचे के स्क्रॉल कर देना है, यहाँ पे आ जाएगा ग्लास वाला इफेक्ट और इसके बचे हुए भाग कैसे कट कर देंगे और थ्री रंग क्लिक करके इसको पहले फिल के एरे फिल के ब्लेंडिंग में जाकर इसको लाइट में जाकर बस स्क्रीन कर देना होगा, ठीक है। तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा यहाँ आप देख सकते हैं इसमें, और इसको क्लिक करके यहाँ पे जो क्लिक करके इसको कॉपी लेयर कर देना होगा। कॉपी लेयर करने के बाद अरे सॉरी यहाँ पे मेरा दो बार बैक हो गया, फिर से आपको वहीं पे चले जाना होगा। कॉपी लेयर तो कर लिया है और यहाँ पर तीसरा फिर से आपको 14.18 तक चले जाना होगा, मतलब 14.18, ठीक है। तो आप वहीं पर तो लगा यहाँ पर तो लगा चुके हैं और यहाँ पर एक और फोटो में 14.18, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करके बस इसको पेस्ट लेयर कर देना होगा, बस आपका ये काम कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए तो यहाँ पे जो ग्रुप में काम है, ग्रुप में काम करने फोटो साइज बैठाने के लिए, तो इसके लिए यहाँ पर ग्रुप में यहाँ बैक कर देना होगा और यहाँ प्लस के आइकन क्लिक करके यहाँ पर 9.16 का रेशियो लेके करेक्ट प्रोजेक्ट पर क्लिक करके प्लस के क्लिक करके मीडिया पर जाके और यहाँ पे अपना कोई भी फोटो लीजिए, किसी भी मतलब किसी के फोटो पर बनाना चाहते हैं तो इस फोटो को जैसे कि मैं ये कोई फोटो लेता हूँ, फोटो पर क्लिक करके बस इसको फ्रेम क्लिक करके फिर ऐप क्लिक करके शेयर कैम क्लिक करके बस इसको फ्रेम एस PNG कर लेना होगा, ठीक है। तो फ्रेम एस जैसे PNG करेंगे दोस्तों, इसमें आपको चार फोटो को लेना है टोटल, यहाँ पर सेव कर लेना होगा चार फोटो को किसी इसी साइज में, इसको डिलीट करके अब दूसरा फोटो को लेकर यहाँ पे दूसरा फोटो को दूसरा साइज ले लेना होगा, जैसे कि ये फोटो लेंगे और फिर एम क्लिक कर फिर किसी एम क्लिक कर, बस मैं आपको बता रहा हूँ आपको जो फोटो लगाना होगा बस आप लगा लीजिएगा, ठीक है। ये नहीं कोई भी लगा लेंगे, मतलब कोई भी लगा लीजिएगा अपना हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे बस इसको चार फोटो को सेव कर लेना होगा और न्यू प्रोजेक्ट बन गया इसको डिलीट कर देना होगा और यहाँ पर गोल में सबमिट मार्क में जैसे ही जाएंगे दोस्तों, और यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर के स्क्रॉल पूरा ऊपर के स्क्रॉल आपको पहले कर देना होगा। आपको देखिए इधर आना है और देख सकते हैं यहाँ पर ग्रुप लिखा हुआ है, ग्रुप एंड मार्क्सिंग, इस पर क्लिक करके एडिट ग्रुप पे जाना है और जो बिना स्टेटस टैग दिख रहा है इसको नीचे सबसे वाला इस पर क्लिक करके कलर फील्ड पे जाकर इस पर क्लिक करके जो अभी फोटो आपने लिया है यहाँ पर देख सकते हैं अलाइट मोशन में अभी चला जाएगा, इस पर क्लिक करके प्लस के आइकन में जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा बैक करके दोस्तों यहाँ पर फोटो लग चुका है, देख सकते हैं यहाँ पर। और इसमें इफेक्ट भी कौन सा लगाना मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ दोस्तों, इसी प्रकार से आपको यहाँ पर दो फोटो में करना है, ठीक है। बिना स्टेटस टैग में तो पहले क्लिक करना है, कलर फील्ड जाकर इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर एक फोटो लेना है कोई भी, देखिए ये फोटो लेता हूँ प्लस एक क्लिक कर दूंगा, जैसे प्लस के क्लिक करेंगे ये बैक में चला जाएगा और ग्रुप एड मार्किंग क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करके एडिट ग्रुप पे जाके और यहाँ पर बिना स्टेक वाला नीचे वाला क्लिक करके कलर स्क्रीन पे जाके फिर से वही फोटो लेंगे जो अभी आपने फोटो लिया है, प्लस सेकेंड फिर से क्लिक कर देंगे दोस्तों। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको किसी प्रकार से हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पर और यहाँ पर भी लग चुका है, देख सकते आगे भी और पीछे भी। दूसरे इसमें इफेक्ट लगाना है मैं बता दूँगा, और दोस्तों इसी प्रकार से आपको इसमें दो में फिर से आपको चेंज करना है, पहले इस पर क्लिक करके कलर स्पीड पे जाके मतलब अपना फोटो किसी को फोटो लगा लीजिएगा, जैसे मैं जैसे ले रहा हूँ प्लस में क्लिक कर दूँगा, बस मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए मैं कोई फोटो ले रहा हूँ। यहाँ पर देखिए फिर से ग्रुप एंड मास्किंग और जो थ्री बन गया, इस पर क्लिक एडिट ग्रुप पर जाकर फिर से आपको नीचे वाला क्लिक कलर स्पीड पर जाकर फिर से आपको वही वाला फोटो ले लेना होगा, यहाँ पर प्लस के अगेन फिर से क्लिक कर देना होगा। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर तीन फोटो को मतलब लेयर तो हो चुका है दोस्तों, आप देख सकते हैं मतलब तीन लेयर, एक लेयर और बचा है, यहाँ पर भी देखिए हो गया दोस्तों आप देख सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आपको सब चीज़ लगा हुआ, एक लास्ट में बचा होगा दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों आपको भी इसी प्रकार से इस फोटो में भी चेंज कर लेना होगा, उसके बाद यहाँ से इफेक्ट लगाने के लिए बैक कर देंगे और यहाँ पर जैसे ही सेक इफेक्ट में जाएंगे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइनअप बना होगा, ये लास्ट वाला आइकन पर क्लिक करके इफेक्ट को यहाँ पर कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद बैक कर देना है, बैक करने के बाद आपको बोलबम बीट मार्क में चले जाना होगा और यहाँ पर बोलबम बीट मार्क पर जैसे ही जाएंगे ऊपर के स्क्रॉल करके आपको इसी प्रकार से ग्रुप वाला पर क्लिक करके बस इसको पेस्ट लेयर कर देना होगा। जैसे करेंगे यहाँ पर देख सकते लाइनअप बन गया न्यू तरह से और यहाँ पर ग्रुप वाला पर क्लिक करना है, ठीक है। ग्रुप जो ग्रुप बनाया है उसमें फोटो में नहीं लगाना है, ग्रुप वाला पर लगाना है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरा लगा लिया और यहाँ पर तीसरा भी लगा लिया दोस्तों, यहाँ पर चौथा भी आप लगा लीजिएगा, देख सकते हैं यहाँ कुछ भी प्रकार से हो रहा है। और यहाँ पर शेयर कैम क्लिक करके बस एक्सपोर्ट कर लेना, आपका वीडियो एकदम बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए दोस्तों हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।